आज के इस वीडियो में मीवी एप 60 का रिव्यू देने वाले हैं। इसको हमको यूज़ करते हैं करीब एक मंथ से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि अभी इसका अनबॉक्सिंग और सारी चीज़ हम डाले हैं, जो वीडियो वो 1 मंथ पहले डाले हैं। तो इसका हम रिव्यू देंगे कि इसको आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और जो करने वाले हैं उसके लिए भी ये वीडियो हो सकती है कि आपको कितना फ़ायदा देख सकता है। और अभी आप देख सकते हैं हम कहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि लाइट ठीक ठाक से नहीं आ पा रही है, प्लस में गर्मी इतना है कि रूम में शूट नहीं हो पा रहा है, फैन वन वगैरह ऑफ करना पड़ जाता है, और लाइट भी ठीक से नहीं रहती है तो बीच में भी लाइट चली जाती है, तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आ चुके हैं बाहर, यहाँ पर लाइट जाती नहीं है। सब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ। तो इसके अंदर हम कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ भी बताएंगे आपको, इसके अंदर क्या चीज़ बेनिफिट मिलने वाला है और क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, वो सारी चीज़ हम डिटेल से बात कर रहे हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम गुड पॉइंट पर बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बेस्ट मिलती है। तो सबसे पहले इसकी हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड यहाँ पर मुझे परफेक्ट लगा है, साउंड में कोई कमी नहीं लगी है। हाँ, लेकिन अगर आप 2000, 2500, 3000 तक का आप TWS लेते हैं तो उससे इसका कंपेरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आने वाला है 1200, 1300, 1000, इस तरीके से डिस्काउंट होते हुए आता है। हालांकि इसका प्राइस है 1300 से 1400 तक का, तो अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप 1000 तक परचेस कर सकते हैं। लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से बात करें तो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा खासा है। अगर बेस लवर है, यानी उसको बेस म्यूजिक, बेस सॉन्ग पसंद है सुनने का, तो वो ये बिल्कुल परचेस कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो बेस क्वालिटी है ना, वो बहुत ही अच्छा खासा निखर के आता है, जिसके वजह से आपको बेस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और साउंड को लेकर के इसमें एक और चीज़ हमको सबसे अच्छी बात लगी है, क्योंकि इसके अंदर आप 100% भी करके अगर साउंड आपको प्ले करते हैं, कोई भी चीज़ म्यूजिक या अगर सॉन्ग सुनते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती है जिससे कि आपको कानों में चुभेगा, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि ओवर साउंड है, ज़्यादा साउंड हो रहा है, ये भी नहीं लगेगा। प्लस में आपको लीकेज भी नहीं होता है इसके अंदर साउंड, यानी आपके बाजू वजू में कोई बैठा है तो किसी को भनक भी नहीं लगेगा कि आप क्या चीज़ सुन रहे हैं। तो सो इसकी वजह से इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बेस्ट देखा गया। इसकी कॉल क्वालिटी की बात करें तो कॉल क्वालिटी भी ज़्यादा मेजर डिफरेंट नहीं लगा है, लेकिन हाँ, अगर आप इनडोर में बात करते हैं, अगर आप खाली जगह पर बात करते हैं, ऐसी जगह हो जहाँ पर ट्रैफिक ना हो, आप घर के आसपास और अंदर में बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता है ताकि अगले पर्सन को सुनाई दे, ऐसा नहीं है। आप अगर नॉर्मल भी बात करते हैं, आप थोड़ी सी भी आवाज़ निकालते हैं तो अच्छे से कैप्चर कर लेता है, अगले पर्सन को सुनाई देता है। सो अगर हम इसमें बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी भी हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि इसमें हम बैटरी चार्ज करने के बाद फुल्ली 1 से 1.5 घंटा, यानी 2 घंटा के अंदर में 1 से 1.5 घंटा में चार्ज हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है। अगर आप हेवी भी यूज़ करते हैं, पर्सनली जो मैं यूज़ किया हूँ वो हमेशा से इसको हम 100% पर सुने हैं, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 100% इस पर सुनने के बाद भी ऐसे कानों में कोई फील नहीं होता है कि हमारे कानों में ज़्यादा लाउडली आवाज़ आ रही है। इसके वजह से हम पूरे फुल साउंड में 100% सुनते थे, फिर भी यहाँ पर लगातार हमारे सुनने पर करीब यहाँ पर 3 से 4 घंटे का बैकअप आपको अच्छा खासा देता है 100% पर। अगर आप 70%, 80% सुनते हैं तो और भी 1-2 घंटा आपको बढ़ सकता है। तो इससे लेकर के हमको बड्स के अंदर अच्छा खासा बैटरी लाइफ मिला। अगर केस की बात करें तो इसमें आपको 5 से 6 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाता है, तो अच्छा खासा है। अगर आप ट्रेवल वगैरह भी करते हैं, कहीं आना जाना भी है, तो चार्ज करके 2-4 दिन में वापस आ सकते हैं, आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमको बैटरी लाइफ इस प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा खासा लगा। बात करते हैं चौथे गुड पॉइंट की, यानी इसके अंदर जो अच्छाइयाँ है वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से जो इसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल दिया है वो हमको बहुत ही बेस्ट लगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 1000-1200 के रेंज में अभी कोई ऐसा ईयरबड्स नहीं है जो मीवी के अलावा साउंड कंट्रोल यहाँ पर आपको बड्स के थ्रू दे। तो ये चीज़ हमको अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप फ़ोन अलग रखे हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उस वक्त आपको साउंड कंट्रोल करना है, अगर आपको अप करना है या फिर डाउन करना है, तो बार बार आपको फ़ोन की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि आप अपना लॉन्ग प्रेस रख करके किसी भी ईयरबड्स को, जैसे राइट आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो अप होता है, अगर लेफ्ट आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो डाउन होता है। तो ये चीज़ हमको इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगा। और पाँचवा चीज़ है कि वो मेजर चीज़ नहीं है, वो पर्सनली मेरे साथ है, कि कंफर्ट इसके अंदर हमको अच्छा खासा लगा, कानों में फिट अच्छे तरीके से हो जाता है। इसमें हम कानों में लगा करके हम यहाँ पर रेस किए हैं बाइक, करीब 70-80 की स्पीड में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर कानों से नहीं निकलता है हवा। सो अब बढ़ते हैं इसके बैड पॉइंट की ओर, कि इसके अंदर बैड कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहली मेजर हमको बैड पॉइंट लगा वो ये है कि इसके अंदर जो TWS है बहुत ही ज़्यादा हिलता है।
तो इसके अंदर फिट नहीं है। ये जो केस है इसका ये ठीक ठाक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर बड्स है वो बहुत ही ज्यादा हिलता है, तो सो आप साउंड यहाँ पर सुन सकते हैं, तो इस तरीके से आवाज आता है। तो ये थोड़ा सा फिनिशिंग में मीवी को ठीक करना चाहिए था। यहाँ पर यूजर को नेगेटिविटी दे सकता है जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, तो ये थोड़ा सा फाइंड आउट करना चाहिए था। इसके दूसरे बैड पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर ये है कि जब ये हिलता है तो इतना ज्यादा यहाँ पर ढीलंग ढालंग है जिसको बोलते हैं हम लोग, वो इतना ज्यादा है कि जब आप इसे चार्जिंग पर लगाते हैं तो ये चार्जिंग ठीक से नहीं उठाता है। जैसे एयरबड्स को एक मरतबा आप केस के अंदर आप डालते हैं उसके बाद चार्जिंग मोड में छोड़ देते हैं, तो कभी क्या होता है कि एक यहाँ पर तो बाहर से दिखता नहीं है कि चार्ज है कि नहीं, उसके बाद क्या होता है कि एक एयरबड्स चार्जिंग में है और एक एयरबड्स चार्जिंग में नहीं है। जब आप फोन को जब आप एयरबड्स को निकालते हैं बाहर उसके बाद कनेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि एक में कम चार्ज है एक में ज़्यादा चार्ज है, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ इसमें लगा। क्योंकि कोई भी अगर चार्ज लगाता है अगर ध्यान नहीं दे पाता है तो कब तक लोग चार्ज इतना ज़्यादा मतलब गौर करके कोई चार्ज लगाएगा कि एक ईयरबड्स उठाया फिर नहीं उठाया, तो ये चीज़ सबसे बेकार लगी हमको। क्योंकि इसके वजह से जो यूज़र इंटरफेस है ना वो बिल्कुल बेकार कर देता है कि जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि इसको फेंक दें, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं होगा तो आप जब पॉइंट पर आप सुन ही नहीं सकते हैं, अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो फिर मतलब क्या बनता है। तीसरी बैड पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर ये है कि जब आप केस को इस तरीके से ओपन करते हैं तो आपको कनेक्ट नहीं होता है फ़ोन से। जब इस बड्स को आप बाहर करते हैं केस से तब ये ओपन होता है, उसके बाद आपके फ़ोन से कनेक्ट होगा, और इसे वापस आप जब रखते हैं तो ये चार्जिंग मोड में चल जाता है। तो ये थोड़ा सा चीज़ हमको बेकार लगा, क्योंकि सारे ईयरबड्स आज के जितने आ रहे हैं जैसे ही आप केस को ओपन करते हैं फौरन आपके फ़ोन से कनेक्ट होता है, तो ये फास्ट कनेक्टिविटी माना जाता है। और यही अगर केस को ओपन करते हैं उसके बाद ईयरबड्स को हम बाहर निकालते हैं फिर ऑन होगा तब जाकर कनेक्ट होगा, तो ये थोड़ा सा डीले हो जाता है, लेट हो जाता है, जिसका वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ पर लेट देखने को मिलेगा। लेकिन इससे एक और चीज़ फ़ायदा भी है कि अगर आपका केस से अगर आपको बंद करते हैं तो आपका चार्जिंग मोड में नहीं जाता है, और आप ओपन भी करते हैं तो चार्जिंग मोड ही में रहता है। तो अगर आपको केस टूट भी जाता है, ये कभी बाई चांस आपको गिर जाता है और ये टूट जाता है, फिर भी आप केस के थ्रू आसानी के साथ आप बड्स को चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही इसे ओपन करते हैं और ईयरबड्स में तो आपका कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही बंद करते हैं ये चार्जिंग मोड में चल जाता है। तो जब क्या होता है कि ये टूट जाएगा तो उसमें आपको चार्जिंग मोड में नहीं जाएगा, फिर आपको बेकार हो गया वो केस, फिर कोई फायदा नहीं रहा, आपका बड्स चार्ज ही नहीं होगा। तो ये चीज़ हमको इसके अंदर लगा, ये चीज़ आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपके जितने भी यहाँ पर TWS है सारे के अंदर केस के थ्रू जो ओपन और क्लोज होता है उसी में चार्जिंग फिट होता है, तो ये एक प्रोफेशनल भी लगता है और अच्छा भी लगता है, कनेक्टिविटी फास्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल इसके अंदर हम बात करें तो सबसे यही दिक्कत लगा इसका फिनिशिंग, जो कि ईयरबड्स अंदर में हिलता है और चार्जिंग में प्रॉब्लम आता है, तो ये चीज़ को लेकर के बहुत ही बेकार लगा। सो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।